लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। डायल 112 का सराहनीय कार्य आया नजर। जी हाँ, घायल को अपने वाहन में पहुँचाया सरकारी ट्रामा सेंटर और अपने वाहन में सैनिटाइजर का प्रयोग कर सही समय पर लाए। बता दें, फिरोजाबाद में डायल 112 का सराहनीय कार्य उस वक्त नजर आया जब टूंडला टोल टैक्स से 1 किलोमीटर आगे पेट्रोल पंप के बराबर से एक अज्ञात व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ा हुआ था और बोल नहीं पा रहा था। जैसे ही डायल 112 वहां से गुजरी तो पहले कोशिश की सरकारी एम्बुलेंस की और न होने पर अपनी गाड़ी में सैनिटाइजर आदि का प्रयोग करते हुए उसे लाकर जिला अस्पताल के सरकारी ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया। बताया कि टोल पर प्रवासी मजदूरों की देखरेख के लिए हम लोग लगे हुए थे। फिरोजाबाद से शेखर यादव की रिपोर्ट। दादा, किस तरह की सूचना आई थी? हमारे पास, हम लोग टोल टैक्स पे हमारा मैनफोन चल रहा हुआ है प्रवासी रोकथाम के लिए, तो हमको सूचना मिली एक्सीडेंट हो गया है टोल टैक्स से 1 किलोमीटर आगे पेट्रोल पंप के बराबर में। हम तत्कालीन अपनी सूचना पे आधार पे सूचना पहुंचे तो वहां पे हम पहुंचे तो जैसे हमें एक व्यक्ति जो है एक्सीडेंट घायल पड़ा हुआ रोड में मिला। उसकी बाइक खड़ी थी और वो काफी टूटी थी बाइक जो है। एम्बुलेंस को फोन किया टोल वाली, वो एम्बुलेंस टोल वाली बहुत बिजी होने के कारण वो आ नहीं सकी, तो हमने अपनी गाड़ी पे उसको बैठा करके और अपना सैनिटाइज करके दस्ताने पहन करके और उसको बैठा करके और हमने इसको यहाँ पे एडमिट करा दिया। नाम पता उसका चल पाया अभी? हाँ, नाम पता नहीं, अज्ञात है, वो बोल नहीं पा रहा है, काफी घायल है। एम्बुलेंस नहीं मिल सकी? एम्बुलेंस नहीं मिल पाई, मौके पर आई नहीं पाई वो, तो हमने सरकारी एम्बुलेंस नहीं थी ऐसा ना, वो टोल वाली एम्बुलेंस आती है नेशनल वाली, तो वो बता रहे बिजी बता रहा था, बोले हम आ नहीं पाएंगे, तो हमने उस परिस्थिति में आपने अपनी गाड़ी में लेके आए? काफी घायल था वो, हाँ काफी सीरियस था, किसी के प्राण बच जाए, तो हमने अपनी गाड़ी पे हमने सोचा कि हम लोग कर्तव्य करते हुए हमने उसको जो है बैठा के गाड़ी में एडमिट करा दिया। थैंक यू।